हेलो गाइस, तो गाइस कैसे हो आप सब। तो गाइस हमारा नेक्स्ट मैच चालू होता है अब, तो जिसके अंदर है हमारा नेक्स्ट मैच में बीएस एंग्री बर्ड, देखते हैं भाई कितना एंग्री है। और दूसरा है अपना आदि, आदि भाई का देखते हैं क्या है कमाल। चलो गाइस नेक्स्ट मैच के लिए चलो रेडी हो जाते हैं। कस्टम का रूल्स तो बताइए, नो ग्लू वॉल तोड़ा तोड़ी, नो नेड़बाजी, ठीक है गाइस। बी रेडी फॉर द कस्टम, लेट्स मेक द कस्टम गाइस। अगले कस्टम के लिए रेडी हो जाओ गाइस, क्रिएट कर दो गाइस कस्टम। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बड़े होंगे। तो मैं आज के वीडियो में कुछ तुम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिमन पहले इन्फॉर्मेशन सारा दे चुका है। तो ये मेरा सेकंड गिल्ड टूर्नामेंट का वीडियो है। तो आज के मैच है बीएस एंग्री बर्ड वर्सेस बीएस आदि, जो दोनों के दोनों मेरे गिल्ड के बंदे हैं। तो पहला मैच जो मिस कर चुका है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला मैच का लिंक है, तो आप जाके एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो। पहला मैच बीएस क्रेजी वर्सेस एमआर फ्लेम के बीच में हुआ था, जो फ्लेम जीत गया था। तो चले चलते हैं, रेडी टू फाइट लिखते हैं और गेम प्ले स्टार्ट करते हैं दोनों के बीच में। तो देखते हैं आज के मैच कौन जीतता है और कौन क्वालिफाई करता है नेक्स्ट मैच के लिए। तो चलिए चलते हैं देखते हैं। हाँ सन भाई रेडी हो चुका है, तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकचोदी के। तो ओ 3 2 1 लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी। लेट्स गेम प्ले। तो जैसे कि स्टार्ट हो चुका है, तो पहला अपना आदि ले चुका है, देखते हैं कौन सा गन चुनेगा आदि के पास। और क्रेजी बोल दिया, क्योंकि कल का मैच का कमेंट्री बार बार दिमाग में आ रहा था, तो क्रेजी बोल दिया, सॉरी माफ करना। तो बीस एंग्री बर्ड, और इधर एंग्री बर्ड ले चुका है और इधर आदि भी ले चुका है। तो M500 दोनों के बीच में देखते हैं क्या होता है, पहला राउंड कौन जीतता है। तो M500 का ड्रैग शॉट मारा था आदि, लेकिन कनेक्ट ही नहीं हुआ है। तो उधर समीर भी पुत गन लेके आ चुका है, M1971, उसको हम इतने लंबे गन से नहीं बुलाते, पुत गन बुलाते है। और ये भी सार्थक बोलता है पुत गन आ गया, लेकिन चलो चलते देखते पुत गन जीतता है या ओ भाई रेन नंबर दे चुका है वो 137 का, देखते। और इधर एंग्री बर्ड में हेल्थ ले रहा है, मेडी मार रहा है, तो जल्दी रश करना चाहिए आदि को, नहीं तो एंग्री बर्ड मेडी मार के हेल्थफुल कर लेगा और पुत गन में फेल देगा। तो देखते ओ भाई खतरनाक इमोट देखा रहा है इधर, मतलब क्या ही इमोटबाजी चल रहा है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो नया बंदे है चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, नहीं तो मेरे को मिलोगे तुक्के से। तो ओ भाई 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 जोन में फंस गया आदि, नहीं निकल गया। तो बहुत करीबी मामला हुआ था, मतलब ये समीर ले जाता, बाल बाल बच गया आदि, बस 50 HP में बच गया। तो और फिर से डैमेज दे चुका है और आदि को आदि आलोक मार मार के क्या ही खतरनाक ग्लोअल का मूवमेंट दिखा रहा है आदि। तो जल्दी से हीलिंग हो गया है, तो और बोन फायर भी इधर लगा चुका है, लेकिन इसका हेल्थ इतना बहुत ज़्यादा गया चला गया था, तो फूल हो चुका है फिर से हेल्थ। देखते मतलब समीर किधर है, ओ भाई मार चुका है बीएस एंग्री बर्ड, इसका नाम समीर है, तो मैं समीर बुलाऊंगा। एंग्री बर्ड बहुत लंबा नाम हो जाता है, तो कमेंट करने में अच्छा नहीं हो रहा है। तो चलो चलते समीर देखते हैं, इधर से आ चुका है और इधर आदि फिर से 500 लेके आ चुका है। आदि का फेवरेट गन है 500, क्या ही आदि खेलता है तुम लोगों को पता चल जाएगा, जाके मेरा शॉट देख लेना, आदि क्या ही खतरनाक 1v4 निकालता है शेष रैंक में। तो चलो चलते देखते इधर फ्लेम को समीर को मार पाता है या नहीं आदि, देखते। और फिर से रेड नंबर मार चुका है 67 का, तो देखते इधर समीर मेडी ले रहा है। तो चलो चलते देखते पहला राउंड तो समीर के नाम हो चुका है, देखते दूसरा राउंड आदि ले पाता है या नहीं, तो जल्दी से देखते। आदि बहुत लॉन्ग में खेलता है, क्योंकि उसके पास M500 है और समीर के पास UMP, समीर ले चुका है और फिर से जड़ चुका है। तो देखते समीर भाग रहा है, क्या ही ग्लोअल का स्पीड लगा रहा है समीर, और ग्लोअल पैकिंग हो चुका है, सिटिंग ग्लोअल का क्या ही पैकिंग हुआ है। तो मेड ले रहा है समीर और बिल्कुल नज़दीक ग्लोअल के करीब है आदि, और ओ भाई फिर से आदि मार चुका है और आदि भी डैमेज हो चुका है और समीर क्या ही रश कर रहा है। तो देखते कौन निकाल पाता है इस राउंड को, तो आदि भी शायद ओ आदि नहीं मार पाया, आदि
ग्लोबल पैक नहीं हो पाया तो समीर क्या ही रेड रोज दे रहा है आदि को। तो पहला दूसरा राउंड भी समीर निकाल लिया तो दो राउंड समीर के नाम हो चुका है। तो आदि देखते कौन बैक कर पाता नहीं। समीर इस राउंड में एस बी डी लेके आ चुका है और यूएमपी। तो देखते आदि क्या लिया है ये इस राउंड में, कौन सी गन आदि चुनी है इस राउंड में। तो देखते आदि के इधर क्लोज में आ चुका है और आदि एमपी यूएमपी ले चुका है। तो ओ भाई डैमेज दे चुका है यूएमपी में। तो क्या ही समीर ग्लोवाल मारा है, एक शॉट चला रहा है और एक ग्लोवाल मारा और बहुत क्लोज में आ चुका है आदि। तो समीर 60 का जड़ चुका है और समीर डैमेज हो चुका है फिर से। समीर क्या ही खतरनाक ग्लोवाल मार रहा है, एकदम पैक होकर फिर से मेडिकिट ले रहा है। तो कस्टम का नियम है कोई भी मेडिकिट मतलब ग्लोवाल पैक होगा तो कोई भी ग्लोवाल को तोड़ेगा नहीं। तो जैसे कि तुम लोग पहले वीडियो में देखा होगा डिमन बोला था नो ग्लोवाल तोड़ा तोड़ी, तो कोई भी ग्लोवाल नहीं तोड़ेगा। तो नियम होता है तो कोई नियम से बाहर नहीं होगा। तो देखते हैं इस राउंड कौन जीता है। और समीर को पड़ा है। तो डैमेज पड़ चुका है समीर बाल बाल बच रहा है और ख़तरनाक ग्लोवाल मार के पीछे जा रहा है। तो शायद मेडिकिट लेने के लिए जा रहा है पीछे, लेकिन आदि छोड़ेगा नहीं। तो आदि इसके पीछे पीछे भाग रहा है, जब तक तोड़ेगा नहीं आदि तब तक छोड़ेगा नहीं समीर को। आज लगता है ऐसे आदि के मोड़ ऐसे ही हुआ है और आदि क्या ही समीर गन नहीं उठा रहा है, बस भाग रहा है और फिर से ग्लोवाल पैक होके मेडी वेडी लेगा। लेकिन मेडी इसके पास ख़त्म, मैं सोच रहा था फिर भी मेडी हो चुका है इसके पास। तो फिर से इसका हेल्थ फुल हो चुका है। तो फिर से देखते हैं आदि किधर गए, आदि बिल्कुल सामने इसके है। तो जैसे ही ग्लोवाल तोड़ा है आदि फिर से मारा ओ बॉडी 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 और देखते ओ भाई उन दोनों के बीच में बॉडी बॉडी चल रहा है। तो पहला राउंड आदि कम कर चुका है, पहला राउंड तो ले चुका है 2-1 से दोनों के दोनों। एक राउंड से बिछड़ रहा है आदि। तो देखते हैं ये राउंड कौन निकलता है। तो इधर से जा रहा है समीर इधर सामने और सामने से आदि आ रहा है, देखते कौन। ओ भाई M10 का जादू दिखा दिया समीर ने, क्या ही खतरनाक मारा बड़ी बड़ी M10 में और आदि को एकदम सुला दिया। ओ भाई लॉल दिखा दिया आदि को समीर ने, क्या ही लॉल दिखाया। देखते हैं समीर को लॉल का बदला आदि लेता नहीं या नहीं। तो देखते इधर से इस राउंड में आदि, ओ भाई क्या ही रेन नंबर, फिर भी बंदा नहीं मारा 3 रेन नंबर के बाद। तो क्या ही बाल बाल बचा समीर, एकदम 10 HP से बच गया 3 रेन नंबर के साथ फिर भी नहीं मरा। ओ भाई तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, वंटा कितने शानदार विचार रखते हैं। समीर के हाथ से तो समीर 4-1 से जबरदस्त लीड पकड़ के लिखा है, 3 राउंड का लीड लेके रखा है और एसपीडी में चला रहा है और 60 का डैमेज दे चुका है। तो देखते हैं ओ भाई फिर से एसपीडी का डैमेज क्या ही खतरनाक मार रहा है समीर और रेड रोज दे रहा है आदि। तो आदि को कुछ करना पड़ेगा उल्टा सीधा, नहीं तो ये मैच हार जाएगा आदि। जैसा समीर खेल रहा है खतरनाक गेम प्ले दिखा रहा है समीर, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको इतना खतरनाक कस्टम मैच और कहीं नहीं दिखेगा। आपका भाई का यूट्यूब चैनल UG5Zone गेमर पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखो, नहीं तो मेरे को मिलेगा तुक्के से। और वीडियो अब तक जो बंदे लाइक नहीं किया है तो आप लोगों को क्या चाहिए, इतना खतरनाक वन टाइम मेरा प्लेयर मार रहा है। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, नहीं तो मेरे को मिलोगे तुक्के से। तो बिल्कुल आदि ग्लोवाल के करीब से नहीं निकल रहा है क्योंकि पता चल गया है कि खतरनाक समीर गेम भी खेल रहा है। तो समीर भाई फिर से 99 का रेन ओवर के साथ इस ग्राउंड को जीत चुका है 6-1 से लीड पकड़ के बैठ चुका है। तो समीर क्या ही खतरनाक गेम प्ले दिखा रहा है आज। तो समीर अब क्या ही खेल रहा है, तो क्या बोलूँ समीर के बारे में। तो समीर के गेम प्ले तुम लोग देख चुके हैं, तो खतरनाक गेम प्ले दिखा रहा है समीर और आदि भी किसी से कम नहीं, आदि भी खतरनाक गेम प्लेयर है। लेकिन क्या है समीर का आज पागल हो चुका है समीर। तो देखते हैं समीर आज क्या ही खतरनाक खेल रहा है। ओ आदि दर्शकों का जोड़ा है और डबल शॉट में मार चुका है डबल बैरल में और दूसरा राउंड ले चुका है, क्या कमबैक कर पाएगा। बस हो गया, कमेंट करो क्या कमबैक कर पाएगा यदि या नहीं कर पाएगा। तो चलिए चलते देखते हैं इधर समीर का ये मैच पॉइंट है, समीर AWM ले चुका है। तो चलिए चलते देखते हैं। तो मैं जैसे ही बोला था ब्लैक स्नाइपर के सारे बंदे AWM अच्छे चलाते हैं, देखते हैं समीर लेता है या नहीं। तो पहले आपको देख लिया जैसे आदि ने AWM से मार के एकदम से 2 राउंड ले चुका है। तो देखते हैं समीर इसी रुपये बार AWM लिया है और जड़ चुका है 150 का तो फटका और बुलेट ट्रेन की तरफ भाग रहा है आदि के तरफ। देखते हैं ये मैच पॉइंट समीर निकाल पाता है या नहीं।
तो जल्दी से देखते और क्या ही रन नंबर के साथ निपटा दिया और मैच में जीत गया समीर ले लिया और मैच निकाल लिया और मेरा ये दूसरा मैच जो कि क्वालिफायर हो चुका है नेक्स्ट राउंड के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन समीर, तेरे को क्वालिफाई हो चुका है तू दूसरे राउंड को। तो देखते हैं समीर कितना खतरनाक गेम प्ले देखा। ऐसे खतरनाक गेम प्ले देखने के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग तुक्के से मिलोगे ऐसे स्क्रॉल करते रहे। तो और पहला मैच देखने के लिए क्या करना है पड़ेगा आप लोगों को पता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला मैच का लिंक दे दूंगा, आप जाके एंजॉय कर दो। सुनो डिमन के मुंह से बोलो मैच का रिपोर्ट। अरे वेल प्लेड गाइस, वेल प्लेड तेरे वन टैप एक नंबर थे आदि भाई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मैच में तुम नेक्स्ट टूर्नामेंट में करना कमबैक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेल प्लेड गाइस, बोथ ऑफ यू वेल प्लेड। चलो गाइस यहाँ पर ही मैच खत्म होता है, ये अपना नेक्स्ट मैच भी यही खत्म होता है। तो गाइज जिसने चैनल को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज एंग्री बर्ड ओपी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और आदि यार कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टूर्नामेंट में क्वालिफाई हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। आप लोग मेरा वीडियो कौन कहाँ से देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलो। तो चले चलते आज के लिए इतना ही, टेक केयर, सी यू। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।